नमो सिद्धानं नमो नमो आयरियानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो वज्जायानं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंचण मुक्कारो ऐसो पंचण मुक्कारो सर्वपावप्पनासनो सर्वपावप्पनासनं मंगलानं च सर्वेसिं पड़वं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद नीज स्वभाव से सदगुरु सदगुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वंद्य है तेत्रिस कोटि दैवगण तेत्रिस कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशिषम् सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष गलती भूल को माफी दियो व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि दियो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद 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 भगवान ने बताया कि अपनी गलतियों की वजह से जगत खड़ा हुआ है, लेकिन जगत कहाँ है? जगत खड़ा है ना, जगत कहाँ है? जगत किसे बोलेंगे?
ये दुनिया है बराबर, और ये दुनिया नहीं होगी तो ये दुनिया होगी, तो सबसे बड़ा जगत कौन सा है? ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है इसमें। तो इनकी गलतियों की वजह से ये जगत खड़ा हुआ है, और गलतियां खत्म हो गई तो ये जगत में रहकर भी जगत से बाहर रह पाते हैं, जैसे भगवान रहते थे। ये जगत होते हुए भी जगत से पर रहते थे, जगत से मुक्त रहते थे। और क्या होता है तो उनको दूसरों की गलतियां नहीं दिखाई देती, जो खुद की गलती देखते हैं उनको दूसरों की गलती देखने का समय नहीं मिलता है। हमारी नहीं दिखती है इसलिए दूसरों की गलती देखने का समय मिलता है हमें। जैसे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं कोई भी, तो हमारे पास इतना वर्क है कि दूसरे क्या कर रहे हैं देखने का टाइम ही नहीं होता है। जब बार बार में कोई काम नहीं होता है तो क्या करेंगे, ये क्या कर रहा है, पूरे दिन ऐसा ही चलेगा। इसीलिए जब अपनी गलती देखने की शुरुआत होती है, भगवान ने उसको जागता हुआ बताया। क्या बताया? इसीलिए कृष्ण भगवान ने बोलना पड़ा गीता में कि पूरा जगत खुली आंखों से नींद काट रहा है। क्या बताया? खुली आंख से नींद कोई आती है? खुली आंख से? बंद आंख से भी नींद नहीं आती तो खुली आंख से कैसे आती होगी? सबको नींद का प्रॉब्लम है कभी कभी। खुली आंख बंद आंख करते हैं तो बोलते मुझे नींद नहीं आती है। कृष्ण भगवान उल्टा बोलते हैं कि पूरा जगत खुली आंखों से नींद काट रहा है। और हम कृष्ण भगवान उनकी बात कर रहे हैं कि हम सोते हुए भी जागते हैं। क्या बताया? क्योंकि सोता कौन है? ये शरीर सोता है और अंदर जो भगवान है वो जागते हैं। लेकिन जब तक अंदर की अनुभूति नहीं होती है तब तक ये पूरे नींद काट रहे हैं। इसीलिए हमें जो मनुष्य जन्म मिला है ये नींद में से जागने के लिए मिला है। ये नींद में से जो जागा उनको भगवान ने जागा हुआ बताया गया है। और धर्म क्या करता है तो के नींद में से जगाते हैं। क्या करते हैं धर्म? धर्म कोई क्रिया नहीं है, क्रिया आ गई वो बात अलग है, लेकिन धर्म हमें क्या बोलते हैं, समय समय हमें जगाता जाता है। और जागा हुआ किसे बोला जाता है कमलेश जी? जागा हुआ किसे बोला जाता है? आपका ही नाम मुझे मालूम है, क्या करूं मैं आपके पीछे नहीं पड़ा हूं। अच्छे आमने सामने है ना? नहीं। तो कि धर्म हमें सच्चे रास्ते पर, सच्ची राह पर आगे ले जाकर हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। उनको भगवान ने स्वधर्म बताया। क्या बताया? स्वधर्म, खुद का धर्म। अभी हम जो कर रहे हैं वो शरीर का धर्म है। क्या है? शरीर के माध्यम द्वारा जो हो रहा है वो पर धर्म है। पांच इंद्रियों के माध्यम द्वारा जो हो रहा है वो पर धर्म है। और जिसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसमें अतिंद्रिय की जरूरत पड़ती है, वो सचमुच में स्वधर्म है। भगवानों का धर्म अतीन्द्रिय का धर्म था। क्या था?
अतिंद्रिय का मतलब जो इंद्रियों से परे, जिसमें दृष्टि की जरूरत पड़ती है सिर्फ, क्या कर, दृष्टि की जरूरत, दृष्टि मतलब अंदर की आंख की जरूरत पड़ती है। अभी तो बाहर की आंखों का यूज होता है ना हमारा, बाहर की आंखों से हम देखते हैं, और बाहर की आंखों से कैसा दिखाई देता है हमें तो मालूम है, बाहर की आंखों से तो कैसा दिखाई देता है बाहर की आंखों से ये जगत में रहते हुए है? दूसरे, 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 बोलो, दूसरों की और ही नजरिया रहती है हमारी, क्या रहती है, और भगवान की नजरिया खुद के अंदर ही रहती थी। कोई बोले आप ऐसे हो वैसे हो तो भी भगवान की नजरिया क्या रहती थी, हमारे अंदर भगवान है, उनके अंदर दृष्टि उनकी रहती थी। उनको कुछ भी बोलो लेकिन भगवान के अलावा आपके अंदर कुछ भी देखते नहीं है, उनका नाम भगवान। क्या होता है बोलो, जो भगवान है उनकी दृष्टि अंदर ही रहती थी। कैसी, कोई उसको बोले अपमान करे गाली दे तो भी क्या, कहाँ दृष्टि रहती थी भगवान की, सामने वाले के भगवान में, के भगवान है ये, क्या है, इसलिए भगवान है तो ये हलता चलता दिख रहा है। भगवान निकल जाए तो कोई घर में नहीं रखेगा आपको, इसलिए मनुष्य जन्म की बहुत कीमत है। इसलिए भगवान बोलते हैं इसको ऐसे गवा मत देना, उसका कुछ यूज कर लेना, उपयोग कर लेना ये संसार से बाहर निकलने का। तो संसार से बाहर निकलने के लिए साधु होना पड़ेगा ना, फिर क्या करेंगे, आश्रम आश्रम बनाया है चंद्रजी तो बना दिया है ना आश्रम, ऊपर रूम में नहीं बनाया तो ये संसार के बाहर निकलने के लिए आश्रम आश्रम कुछ बनाना पड़ेगा ना, कि नहीं बनाना पड़ेगा है? भगवान उन्होंने आश्रम बनाया हुआ था ना, कृष्ण भगवान ने, राम भगवान ने, महावीर भगवान ने आश्रम बनाया था, कि महल में थे, बोलो, महल में रहकर भी वो साधु थे और हम घर में रहते भी साधु नहीं है, साधु के कपड़े पहनते हुए आश्रम में रहते हुए भी साधु नहीं है। तो के साधु का मतलब क्या होगा है, मन से साधु कौन मन से रह सकता है, चलो है? जिन्होंने जो सीधे हुए हैं, क्या बताया, जो सरल हुए हैं वो साधु है, इसमें कपड़ों की जरूरत नहीं होती है, ये तो एक लेबल है, क्या है, पहचानने के लिए कि ये पक्ष का ये साधु है। बाकी साधु होने के लिए सीधा होने की, सरल होने की जरूरत है। जो सीधा है सरल है संसार में है तो भी साधु है, हम सब तो जलेबी जैसे सीधे हैं ना, कि अमृति, अमृति क्या बोलते हैं यहाँ, अमृति ज्यादा आती है। स्वामी जो आजकल साधु हैं तो उनको लोग ठीक तो नहीं समझते, जो सरल हैं सहज हैं उनको लोग आधा पागल समझते हैं? नहीं, कोई कोई पागल नहीं समझता, सब समझदारी वाले हैं लोग, क्या है, बहुत समझदारी वाले हैं लोग, जैसे है वैसे ही बताएंगे। जैसे जैसे राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, महावीर भगवान थे, बहुत सरल थे। जैसे सरल का मतलब क्या, कि जैसे जैसे कर्म आता है और कर्म के मुताबिक चलना वो सरलता है। क्या बताया, कर्म के मुताबिक चलना वो सरलता है। तो क्या हम कर्मों के मुताबिक चलते हैं, हमारे मुताबिक चलते हैं, आधा भी चलते हैं हमारे मुताबिक ही चलते हैं पूरे दिन, आखिर में तो कर्म के हिसाब से चलते हैं उसके आगे नहीं, कर्म उसे चलाता है बाद में, उसको नहीं चलना है तो भी कर्म उसको चलाता है, हम खुद नहीं चलते, मार मार के अपने को अपने रास्ते में ले आता है वो, क्या करते है कई बार क्या होता है, हमको सब कुछ मालूम होते हुए भी हम भूल जाते हैं और बस करने लग जाते वो है। बात अलग है, वो बात अलग है, लेकिन बाद में उसको मालूम पड़ जाता है ना, हाँ, उसको गलती अपनी महसूस होती है, क्या होती है, गलती महसूस होना वो भूला हुआ नहीं बोला जाता है, समझे,
वो तो दादा के सत्संग में जो भी आया वो महसूस हो जाता है। बाद में भी पता तो चलता है ना, नहीं तो कितने कितने घंटे तक चलते हैं ना, उल्टा रास्ता है तो भी मालूम नहीं होता कि उल्टा रास्ता है, और सीधा मानकर ही चलते हैं, क्या करते हैं, ये तो थोड़ा उल्टा जाने के बाद मालूम तो पड़ता है ना कि उल्टा है, तो भी सीधे रास्ते पर है, क्या है, नहीं कई बार गुस्सा आता है फिर लगता है नहीं नहीं ये हमारी गलती है, हमारी गलती से ये गुस्सा आया, सामने वाले की इतनी गलती नहीं है, हमारी गलती ज्यादा है। इसलिए भगवान ने क्या बताया कि क्रोध किसे बोला जाता है, जिसके अंदर हिंसक भाव और तंद होता है, क्या होता है, इसको भगवान ने क्रोध बताया। अभी हमारे अंदर से दादा को जो मिले ज्ञान लिया हुआ है, उनके अंदर से अहंकार गया, नाम क्या मैं भूल गया, शशि, हाँ, तो कि मैं शशि बहन हूं वो हमें नहीं रहता है, निंद में से उठकर बताओ कि आप कौन है, तो बोलेंगे मैं शुद्धात्मा हूं, बराबर, इसलिए इसको हिंसक भाव नहीं बोलते हैं, तो कि अहंकार है, ममत्व भाव है, तब तक हिंसक भाव है, और ये अहंकार जाने के बाद हिंसक भाव चला गया, तंत रहता है हमें, क्या, जैसे हमारे बेटी का बेटा हो जो भी हो, इसके प्रति थोड़ा लगाव रहता है, तंत बोलते हैं उसको, क्या, तो के तंत को भगवान ने क्रोध नहीं बताया लेकिन हिंसक भाव, लेकिन ममत को भी, ममत भी आप बोल रहे हैं, वो भी उसमें वो ड्रामेटिक है, अभी कौन सी है, ड्रामेटिक पिक्चर की, पिक्चर की ममता है, तो रखना पड़ता है, संसार में आए हैं, जैसे हमको ज्ञान हुआ, बराबर, किसी को भी ज्ञान हुआ तो भी परिवार वाले हैं तो वो मेरी वाइफ तो बोलना पड़ता है ना, नहीं बोलेंगे क्या करेंगे, खाना वाना खिलाएगी, हाँ बोलना पड़ता है, कोई भी आ तो मेरी वाइफ है, और प्यार प्यार सब करना पड़ता है, क्या सब ड्रामा करना पड़ता है, लेकिन ड्रामा करने वाला कौन है उनको पता होता है, क्या होता है, भगवान ने इसको कोई ऐतराज नहीं बताया इसको, इसके बारे में, इसलिए बात समझने की होती है, भगवान की बात जैसे जैसे समझ में आती है वैसे हम रिलैक्स होते जाते हैं, क्या होता है, मुक्त रह पाते हैं, नहीं नहीं तो ये संसार में रहते हुए मुक्त रहना आसान नहीं है, एक काल में तो नहीं है, क्या बताया, और पहले तो अलग बात थी लेकिन एक काल में नहीं रह पाते हैं, इसलिए हम जो जो क्रिया कर रहे हैं, अभी जो क्रिया कर रहे हैं, जो मान रहे हैं, लेकिन हमारे मुताबिक वो नहीं होता है जो हमें करना है, हमें भगवान के पास बैठकर ध्यान करना है तो भी हमारा मन वहाँ पर नहीं रहता है, समझ रहे, तो ये क्यों नहीं रहता है, तो कि हमारे अंदर अभी मन वचन काया का एकात्म योग नहीं है, पहले के युग में मन वचन काया का एकात्म योग था, मन में जैसा है वैसा वाणी बोली जाती थी और ऐसा वर्तन होता था, अभी तीनों अलग दिशा में चल रहे हैं, मन में कुछ अलग है, वाणी में अलग है और वर्तन तीसरे प्रकार का होता है, इसीलिए हम क्रिया इतनी अच्छी करते हुए भी इसका फल नहीं मिलता है हमें, इसलिए ये पूरे मार्ग फ्रैक्चर हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जैसे हमें फ्रैक्चर हो जाता है ना, बाद में कितना भी ज्वाइंट कराओ वगैरह कराओ तो पहले जैसा पैर था ऐसा पैर नहीं रहता है हमारा, कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, खोड़ आवे ना, टेढ़ापन रह जाता है, कहीं ना कहीं उसको चाल में भी फर्क आ जाता है, बस वगैरह वगैरह हो जाता है, इसीलिए भगवान ने बताया कि अभी आप मूल धर्म के ऊपर आ जाओ, क्या बताया, मूल धर्म किसे बोलेंगे, आपका नाम बता दो, नहीं कि उसको लगेगा मेरे पीछे पड़ा, डिंपल बराबर, आपका क्या नाम, राजीव भाई, और क्या पूछ रहा था मैं, हाँ, तो के मूल धर्म पर जब तक नहीं आते हैं तब तक चिंता क्लेश मतभेद कम नहीं होते हैं, कभी भी जब तक मूल धर्म में नहीं आते हैं तब तक, और भगवानों के पास मूल धर्म था और बाकी सभी के पास कुल धर्म है, क्या है कुल धर्म का मतलब, क्या
बोलो जो भी आया फेंकते रहने का जैसे वो बॉलर होता है गेंद फेंकता है और क्या करता है, जैसी पड़ी वैसी कहीं गई तो वो उसके पीछे भी चली जाती है, क्या होती है, चार रन मिल जाता है सीधा, नहीं होता है कभी उसको डालना है तो सीधा, लेकिन नहीं डाल पाते कभी, इसलिए इसके हाथ में भी नहीं है वो, क्या है, जो उसके हाथ में होता तो नो बॉल नहीं पड़ता, वाइड बॉल नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है ना, नहीं पाड़ना है नहीं फेंकना है तो भी ऐसे करके वो ऐसा हो गया। जिस कुल में पैदा हुए हैं वो कुल धर्म, हाँ, कि जो कुल में हमारा जन्म हुआ है वो धर्म हमें रेडीमेड प्राप्त हो चुका है, जैसे वैष्णव धर्म में हम आए तो वैष्णव धर्म मिल गए, शिव धर्म में जन्म हुआ शिव धर्म वाले हो गए, जैन धर्म में आए तो जैन धर्म वाले हो गए, ये तो कुल धर्म हुआ, लेकिन मूल धर्म जानना पड़ेगा। ये संसार से बाहर निकलने के लिए ये सभी जो बाहर आदि व्याधि उपाधि चल रही है, चिंता चल रही है, क्लेश चल रहा है, उससे बाहर निकलने के लिए मूल धर्म में आना पड़ेगा। सभी धर्म, सभी भगवान मूल धर्म में थे और मूल धर्म प्राप्त किए बिना छुटकारा नहीं है, मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, तो क्या करेंगे डिंपल बहन, राजीव भाई अभी उनका नाम बोलते थोड़ी बार, हाँ कोशिश तो अभी हमने की तो होगी ना, अभी तक ऐसे थोड़े बैठे रहे होंगे, लेकिन जानते भी नहीं थे कि मूल धर्म कौन सा है, इसलिए जो प्राप्त हुआ था वो हम करते जाते थे, और मूल धर्म जब प्राप्त होता है तो सब अंदर ठिकाना पड़ जाता है हमारा, ठिकाना, जैसे हमें रहना है जैसे हमें करना है वैसे हम कर पाते हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाते हैं। तो कि मूल धर्म जानने के लिए मूल भगवान चाहिए हमें, क्या चाहिए समझे, जब तक नहीं मिलते हैं तब तक मूल धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। और कृष्ण भगवान अर्जुन को बार बार मूल धर्म में लाने की कोशिश करते थे, क्या करते थे, हाँ, जैसे जैसे सवाल पूछते जाते थे तो उनको मूल धर्म में लाने की कोशिश करते थे, लेकिन उसके पास कोई दृष्टि नहीं थी इसलिए मूल धर्म समझ में नहीं आता था, इतनी सारी बातें करते हुए भी उनको मूल धर्म समझ में नहीं आता था। बाद में कृष्ण भगवान ने देखा कि अभी ये समझ में नहीं आ रहा है उनको, क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए भगवान के साथ बातें करते 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 थक गए। और हम जितना शब्द यूज करते हैं ना, आत्मा नहीं शब्द है, कैसे है, शब्द से पर है, जहां शब्द नहीं पहुंचता वहां आत्मा है, समझे, और सभी के पास शब्द है, अनुभव नहीं है, और अंदर के भगवान को जानने के लिए अनुभव चाहिए, अनुभवी पुरुष चाहिए, तो ही आपको अनुभव हो सकता है, नहीं तो अनुभव नहीं हो सकता। और अनुभव होने के बाद आपको एक बार अनुभव हो गया तो वो अनुभव परमानेंट रहता है, कभी किसी भी परिस्थिति में वो अनुभव जाता नहीं है। अनुभव का मतलब क्या, तक खुद का सुख क्या है वो ओपन हो जाना, क्या, अभी हमारा सुख हमारे पास नहीं है, ये तो माना हुआ सुख है, आरोपित सुख है, काल्पनिक सुख है, सचमुच में सुख नहीं है, जो ये सच ये बाहर के जो सुख सचमुच में होते तो सभी को एक सलीका लगना चाहिए, लेकिन सबके सुख की डेफिनेशन अलग अलग है, किसी को इसमें सुख लगता है, किसी को इसमें सुख लगता है, किसी को माला में सुख लगता है, किसी को किताब पढ़ने में सुख लगता है, किसी में कोई क्रिया करने में सुख लगता है, किसी ध्यान में बैठने के सुख लगता है, किसी को एकाग्र करने में सुख लगता है, सबकी डेफिनेशन अलग अलग हो चुकी है, मतलब कि वो आरोपित सुख है, माना हुआ अपना कि इसमें सुख है, सचमुच में है ही नहीं, तो के अनुभव होता है तब अपना सुख क्या है वो मालूम होता है, और वो सुख एक बार आने के बाद
कभी भी जाता नहीं है वो सच्चा सुख है, जिसको आनंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनंद। ये तो हमें संसार में कोई कुछ बोलते हैं, कुछ कह जाते हैं तो अपना सुख तो चला जाता है, क्योंकि हमारी पास सच्ची समझ है ही नहीं। इसलिए भगवान ने बताया, क्या बताया? ओपन माइंडेड क्या बोलते हैं? ओपन माइंडेड ही चलेगा। हाँ, ओपन माइंडेड रहना। अभी हम जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, और पहले हमारे वहां ऐसा था कि पहला धोरण और ऐसे करके सीधा दूसरी कक्षा में ले लेते थे, सीधा दूसरे में ले लेते थे। बाद कोई होशियार लगता है उनको टीचर को तो ऐसे करके ले लेते थे। हाँ, तो कि ऐसा हमें कोई मिले कि चलो भाई आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। क्या बताया? इस दुनिया में कोई भी चीज गलत नहीं है, कोई क्रिया कर रहे वो गलत नहीं है। बरोबर, जैसे बालक खिलौना खेल रहा है वो गलत है, लेकिन बड़ा खेलने लगे तो क्या होगा? नहीं, लोगों क्या बोलेंगे? इसका माइंड अभी छोटा जैसा है। कोई मिल गया मैं, क्या ऐसा था ना? छोटा माइंड था, ऐसा था, मुझे पता नहीं। पर जिसे कोई मिल जाता है ना तो बड़े जैसा माइंड हो जाता है इसका। क्या हो जाता है? तो वो तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। क्या होता है? तो के ऐसा कोई मिले हमें और बोले कि मैं आपको मोक्ष दे सकता हूँ, मुक्ति दे सकता हूँ, खुद का सुख खुला करके दे सकता हूँ, तो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए? है, किसी का पास होता है तभी बोलते। कैसे बोलते हैं? एक तो जिसके पास होता है वो बोलते हैं, और दूसरा पागल बोलते हैं। दो में से एक ही बोलते हैं। इसलिए भगवान सचमुच में हमारे सामने जब हाजिर होते हैं तो हमें जो चाहिए वो दे देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान के पास जाने के बाद हमें मालूम नहीं है कि हमें क्या मांगना है, इसलिए हम भौतिक सुख मांगते हैं भगवान के पास। ये संसार में जो जो तकलीफें है वगैरह वगैरह, भगवान इतनी आप दूर कर दो। ये तो एक दूर हुई, दूसरी आएगी कि नहीं आएगी? ये जीवन पूरा तकलीफों का संग्रह स्थान है। संग्रह स्थान को क्या बोलते हैं? कभी कभी मुझे पूछना पड़ता है। ये पूरा जीवन संग्रह स्थान है। क्या है? तकलीफों का संग्रह स्थान। एक तकलीफ गई, दूसरी आती है, दूसरी गई, तीसरी आती है। अभी बोला कि चलो भाई ये मेरा बड़ौदा का मकान है, ठीक करवा लो। बाद में बोलते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं, यहाँ आ जाओ। तो ठीक करवाने का मतलब क्या हुआ? समझे? बाद में यहाँ आकर दूसरा लिया तो दूसरे में थोड़ा इधर उधर होता है, तो इनको रिपेयर करवाओ। बाद में रिपेयर करने के बाद कोई बोलेगा बच्चा कि मेरे पास आओ ना थोड़े टाइम, तो रिपेयर किया हुआ तो क्या करेंगे? बाद में बंद करेंगे तो बाद में थोड़ा बिगड़ता जाएगा। समझ? समस्या चालू ही रहती है। प्रॉब्लम के बिना जीवन नहीं है। नेवर एंडिंग। हाँ, इसका कोई एंड नहीं है। इसलिए दादा भगवान ने इंग्लिश में बताया, द वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ। क्या बताया? ये पूरा पजल है जगत, और ये पजल में सभी लोग डिसॉल्व हो गए हैं, क्योंकि आगे समझ नहीं खुलती उसकी। क्या करूं? सच्ची समझ है नहीं तो सॉल्यूशन कहां से आएगा? इसीलिए भगवान ने सॉल्यूशन जो आया, आप जो भी धर्म करते हैं तो सॉल्यूशन आया तो समझने का कि आप सही रास्ते पर है। धर्म का मतलब ही सॉल्यूशन। क्या होता है? हाँ, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लाने के लिए तो जाते हैं धर्म में, नहीं तो जाने की ऐसे बैठे रहने की जरूरत है? टाइम पास करने का है, बोलते हाँ। धर्म टाइम पास करने के लिए नहीं होते है, किताब टाइम पास करने के लिए नहीं होती है, कुछ अंदर से पाकर बाहर निकालने के लिए, कुछ मार्ग मिले, कुछ दृष्टि मिले, इसके लिए होती है। मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता रहता हूँ पूरे दिन, कैसे भगवान में ही रहता हूँ। भगवान जानते हैं आप किस में रहते हैं?
भगवान बोलते हैं मेरे में नहीं रहे, किताबों में रहे, क्या रहा? हाँ, और कोई किताब ले लेंगे तो क्या होगा? सुख होगा दुख होगा? बोलो, वही किताब हमें दुख देती है। जैसे आप जब तक ये कोरोना चल रहा था तब तक आप स्कूल में वगैरह जो जाने का होता था, ऑफिस हो वगैरह, तो नहीं जाते थे, घर से काम कर लेते थे सब, बराबर। अभी सब खुल गया तो हम घर पर बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे, जहाँ जहाँ अपना काम है, किसका पढ़ाई का है, किसका जॉब का है, जिसका बिजनेस का है, सब चले जाएंगे सुबह होकर। बाद में ऐसे बोलेंगे मैं तो अभी थे वही कर रहा हूँ तो वही करूँगा। ऑफिस वाले बोलते अभी घर ही रहो आप, क्या बोलेंगे? समझ में आता, हमारी दृष्टि ऐसी है। जैसे जैसे संजोग मिलते हैं, जैसे जैसे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तब कोई ऐसे मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। आगे बढ़ने का जब होता है ना तो कोई हमें मिल जाता है, नहीं तो मिलता नहीं है। काल में बहुत मुश्किल है आगे काल में ऐसा मिलना, कोई हमें कहने को मिलता भी आना सत्संग है, वो है वो है, जब बाहर निकलने का होता है तब ये दूसरे वाला दूसरे लोगों को तो हम पहचानते नहीं, तो इसको क्या बताएंगे? समझ में आती है बात? इसलिए भगवान का एक एक शब्द जो समझ में आ जाए ना तो उसको दुख नाम की चीज नहीं रहती है, सुख सुख सुखी रहता है। ये संसार के दुखी होने के लिए है। हमने शादी बनाई तो दुखी होने के लिए शादी बनाई थी, बोलो ना। झगड़ा करने के लिए बनाई थी, चिंता करने के लिए बनाई थी, क्लेश करने के लिए बनाई थी, बोलो ना। अच्छे के लिए कि चलो भाई एक दूसरे को हेल्प हो जाए, मैं घर का काम करूं और राजीव भाई कमा के लाए, चलो ऐसे करके किया हुआ था, तो बाद में बदल जाता है पूरा नक्शा। नहीं बोल रहे आपका तो अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। नहीं अभी ना रिटायर हो गए इस महीने। हाँ अब हम दोनों मिलके काम करते हैं। वो खुश हो गए, आप रिटायर हो गए थे। रिटायर हूँ। बोलते थे पहले तो था तो ऑफिस का काम करना पड़ता है, अभी तो घर का भी काम करना पड़ेगा। और ये कोरोना में तो पुलिस लोग बहुत कंटाल गए, क्योंकि बहुत घर का के भी काम करना पड़ता है। वो ऑफिस का काम कर रहे, वो बोलते हैं भाई बोलते हैं जाओ बाहर सब्जी वाला है लेकर आओ, नहीं खत्म हो जाएगी, तो वो उसको छोड़ कर जाना पड़ता है, पॉज कर देना पड़ता है उसको काम करते करते। क्या इसलिए भगवान ने बताया कि जैसे जैसे धर्म की आराधना करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी दृष्टि सही हो जाती है, सही होती जाती है, दृष्टि में बदलाव आता है। हाँ, एफर्ट्स कुछ नहीं, भगवानों के मार्ग में कोई एफर्ट नहीं होता है। एफर्ट वो बाहर के मार्गों में होता है, क्या जहां भगवान नहीं होता है वहां एफर्ट है, भगवान होता है वहां एफर्ट नहीं है, भगवान खुद बखुद करके दे देते हैं। आप क्या करते हैं ऐसी मेहनत भगवान नहीं कराते, क्योंकि भगवान का मतलब ही बिल्कुल मेहनत नहीं, उनका नाम भगवान। ये राज राज चलता है, राज राजा होगा तो वो क्या करते हैं, राजा क्या करते हैं बोलो ना, कि सब प्रजा वगैरह उसके जो है वही कर लेते हैं सब। राजा तो बैठे बैठे देखते हैं कोई तकलीफ है तो बोलना भाई, बाकी तो उनके नीचे वाले हैं। एक जो राजा ऐसा कुछ काम नहीं करते तो भगवान कैसे करेंगे? भगवान के पास दो ही चीज है, क्या है? देखना और जानना। क्या है? बस भगवान की वही, भगवान के पास वही बात है। बाहर की सब क्रिया जब खत्म हो जाती है तब एक क्रिया शुरू होती है, बाकी सब अज्ञान क्रिया है। क्या है? ये शरीर के माध्यम द्वारा जो जो क्रिया की जाती है वो अज्ञान क्रिया है, और अज्ञान क्रिया अपने भगवान को टच करने नहीं देती। क्या नहीं करने देती? समझ नहीं आया क्या क्या मतलब?
कौन सी क्रिया? अज्ञान जो क्रिया है हम जो अभी कर रहे हैं, वो क्रिया भगवान को टच नहीं होने देती। कोई भी क्रिया, कोई भी क्रिया भगवान को टच नहीं करने देती। भगवान को टच करने के लिए ज्ञान क्रिया चाहिए। क्या चाहिए? दृष्टि की क्रिया चाहिए। ऐसी स्थूल क्रिया नहीं चलती है। इस स्थूल क्रिया से तो ये सांसारिक सुख मिलता है सब। क्या बोल रहा है? सांसारिक सुख। और सांसारिक सुख का मतलब आने जाने वाला, टेम्पररी एडजस्टमेंट। ऑल दिस रिलेटिव आर टेम्पररी एडजस्टमेंट एंड यू आर परमानेंट। क्या बताया शशि बहन? आपका भी नाम मालूम है तो बोलूंगा। क्या बताया सेंटेंस इंग्लिश? ऑल दिस रिलेटिव आर टेम्पररी एडजस्टमेंट एंड यू आर परमानेंट। बस हम यू को छोड़कर बाकी सब करते हैं। क्या करते हैं? परमानेंट को भूल गए हैं। परमानेंट है कि नहीं वो ही मालूम नहीं है। परमानेंट मालूम हो जाए, हाथ में आ जाए, तो अपनी क्रिया शुरू हो जाती है। खुद की क्रिया, मुक्ति में जाने की क्रिया। बाद में ये क्रिया इस जगत के कोई भी दुख उसको स्पर्श नहीं कर सकता है। जल कमल वत दशा रहती है आपकी। कमल पानी में होते हुए भी पानी टच नहीं करता है। ऐसे हम संसार में रहते हुए भी संसार की कोई क्रिया हमें टच नहीं करती है। इस सोच में डूब गए। इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे उस दशा होगी वो। नहीं, आपको तो एक्सपीरियंस है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपको वर्ल्डली चीजें भी है। हाँ, ये दोनों भी है। हम तो बिगनर है। नहीं, इसलिए मैं मेरा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। आप तो हमें पता ही। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ही है ना। हाँ, नहीं, आपका स्थान हमारे से फर्क है। नहीं, फर्क नहीं है। हम आपके जैसे ही है। सब भगवान अपने जैसे ही होते हैं, लेकिन अंदर से परिवर्तन होता है। क्या होता है? बाकी बाहर की क्रिया सबकी परिवर्तन कैसे होता है? ये सुन तो लिया, मन वचन का आया, ये सरल सहज होना चाहिए, पर क्या इनको प्रैक्टिस में लाएंगे? नहीं, उनके लिए प्रयोग करना पड़ता है। तो आप बोलते हैं कि मेरे में कुछ क्या खराबियां है, तो ऑपरेशन करना पड़ता है ना। और ऑपरेशन करने के बाद अपने आप सही हो जाता है ना, ठीक हो जाता है ना, तो ऑपरेशन की जरूरत है। क्या करेंगे? पैसा भरना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए। हाँ, तो ऑपरेशन तो ऐसे थोड़ा होता है, है? डिंपल में ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? साइन भी चाहिए कि नहीं चाहिए? संसारिक पैसा नहीं चाहिए। साइन किस चीज पे करने आपने? साइन उस पर करने की है, ते कमलेश भाई की जो माया सब है ना, उसको समर्पित करनी पड़ती है। वही साइन, दूसरी कोई साइन नहीं। भगवान को ऐसी साइन चाहिए, भगवान के दूसरी लक्ष्मी नहीं चाहिए। क्या ये क्रांसी तो चलती नहीं है? वो तो चलती नहीं, चलती नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। भगवान के पास सिर्फ समर्पित भाव होना चाहिए। इसमें सब कुछ आ गया। इसलिए दादा भगवान ने दो सेंटेंस बताया। एक तो मैं कुछ जानता नहीं हूं। क्या बताया? मैं कुछ जानता नहीं। और परम विनय। परम विनय का मतलब मेरे मन वचन का ऐसा किसी को दुख ना हो, वो सबसे बड़ा विनय है। भूल जाते हैं, पता नहीं है ना, तो सोचते हैं भूल जा, पांच छह घंटे ठीक है, कोई बात ऐसे गुस्सा भी आ जाता है मन में, किसी के लिए वो भी आ जाता है। उसका सलूशन दिया था ना मैं पिछले सत्संग में, कैसा हो जाए तो क्या करना है। हाँ, जैसे हमें नहीं करना है। हाँ। बराबर, ये बारिश की सीजन में बाहर निकलते हैं, चिकटपन वाली मिट्टी होती है, तो हमको फिसल जाना है, है? और किसने संभल कर चलता है ना, फिर भी फिसल गए, कपड़े बिगड़े, तो क्या करेंगे? धोलेंगे। बस यहाँ भी धोने का है, गलती हो गई तो धोने का मतलब अंदर माफी मांग लेने का। हमारा जो हो रहा है इसके साथ मैं सम्मत नहीं हूं। भगवान वही बात देखते हैं। भगवान क्रिया नहीं देखते। क्रिया के पीछे आपका भाव क्या है, वो भगवान के वहां नोट हो जाता है। समझ लो। नहीं, गलती कोई करता ही नहीं है। और एक एक कर्म
लाखों बार हुआ एक कर्म, इसलिए हमें लगता है वही हो रहा है वही हो रहा है, लेकिन एक बार माफी मांगते हैं वो खत्म हो गया। दूसरा ऐसा आता है जैसे प्याज होती है ना, प्याज के ऊपर से छिलके निकाल छिलका निकालते हैं तो नीचे क्या निकलता है, प्याज आ जाता है ना, दूसरा छिलका निकाला तो दूसरा वही रहता है। यहाँ इतने इतने लाखों की संख्या में एक ही बार एक ही तरीके का हमने कर्म किया हुआ है, तो ये जब पूरा होगा तब आपको शांति रहेगी ना। एक तो निकाला लेकिन 99 रहा, इसका क्या, बाद में एक निकल दूसरा निकाला 98, तो आपको वही दिखेगा कि वही हो रहा है। अभी तो माफी मांगना इतना आसान नहीं है, समझे, कितनी सारी समझ सेटअप होती है अंदर तब आप माफी माफी मांग सकते हो, नहीं तब रहे अक्कड़ हो जाते हो, क्या मैं क्यों मांगू, मेरी तो गलती नहीं, सबसे बड़ी बात है कि भगवान होते हैं ना तो अभी हाथ जोड़ के बोल देते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करना, मेरे ऐसे हो गई है, ऐसे होते हैं भगवान, बहुत सरल होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं भगवान इसके पास माफी नहीं मांगू, हम तो हमारा तो कुछ अंदर कुछ है नहीं तो भी माफी नहीं मांगते क्या, और बोलते हमारा आगे बढ़ना है, हमें बाहर निकलना है संसार से, हमें मुक्त होना है, कैसे हो गए उसके जाने के लिए, कोई हमारा ऐसा कोई होना तो चाहिए ना रास्ता, तो ये भगवान उन्होंने रास्ता बताया, मैंने नहीं बताया है, सभी धर्मों में माफ़ी मांगने का बताया गया हुआ है कई अलग अलग तरीके से, जैसे क्रिश्चियन धर्मों में वो कराते हैं कन्फेशन, लेकिन एक दूसरे को देखते नहीं है, बीच में दीवार होती है, क्या होती है, पर्दा होता है, जो भी हो, इसलिए कन्फेशन अलग अलग तरीके से बताया है सब में, जैनों में है तो प्रतिक्रमण बताया है, दूसरे धर्मों में तो माफ़ी बताया गया है, अलग अलग तरीके से। इसलिए तीन तरीके से माफ़ी मांगने की होती है, तीन तरीके से, पहले हमारी गलती हुई इसको जाहिर करने की, जिसके ऊपर आपको विश्वास है, बाद में उसका पश्चाताप करने का, और फिर से ऐसी गलती न करूं, ये तीन होनी चाहिए तब ये माफ़ी सही ढंग से मांगी मांगी जाती है। देखो मैंने दूसरे शब्द यूज़ नहीं किया, वो शब्द नहीं आया, वो परिभाषा वाला, तीन शब्दों में हो सकता है, एक तो पहले इकरार करो जो मुझसे गलती हुई भगवान, हाँ मुझे ऐसा हो गया है, बाद में इसका पश्चाताप करो भगवान मैं ऐसा मैं माफी मांगता हूँ, और बाद में नहीं करने का ऐसा दृढ़ निर्णय निश्चय करो कि भगवान ऐसा फिर से नहीं करूँगा, तो अभी फिर से हो जाए तो जितनी बार हो जाए इतनी बार माफ़ी मांगते जाओ, वो भगवान देखते हैं आपने क्या गलतियाँ की, वो भगवान नहीं देखते, लेकिन गलतियों के पीछे आप माफ़ी मांगते कि नहीं वो भगवान देखते हैं, बस इतना ही है भगवान के वहाँ। भगवान के वहाँ तो बहुत अलग सा होता है, भगवान तो इतने सरल होते हैं, इतने सीधे होते हैं, बोलो तो इसमें अपने दूसरे आदमी के पास तो जाना नहीं है माफी के लिए, हाँ अंदर ही मांग लेने का है, अंदर से, नहीं तो बाहर जाएंगे ना, देखो आया ऐसे करके कहते हैं ना कि जैसे स्कूल, मुझे लगता है कि मैंने उस बंदे को हर्ट कर दिया किसी को, तो उसकी शुद्ध आत्मा से माफी मांगना, इस शुद्ध आत्मा प्राप्त होने के बाद बोला जाता है, पहले से नहीं बोला जाता, पहले तो ऐसे करने का, भाई मुझसे माफी हो गई तो ना ऐसा हो गया है तो मुझे माफ कर दो, सही यही तरीका, बाद में वो अंदर आपको शुद्धात्मा का अनुभव होने के बाद ये सामने वाले अंदर जो शुद्धात्मा भगवान एक दूसरे के साथ तार ज्वाइन करते हैं एक दूसरे का, इसलिए कहीं कहीं बात अंदर के भगवान की प्राप्ति के बाद की होती है, इसलिए कहीं पढ़ा हो सुना हो सूत्र पढ़ा हो इससे इसके आधार पर हम बोलते हैं ऐसा क्या होता है, वो बात अलग होती है, वो भगवान के प्राप्ति के बाद ऐसी बात हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने शुद्धात्मा का अनुभव किया, अनुभव करने के बाद सामने वाले के अंदर शुद्धात्मा दिखते हैं, बाद में ऐसी क्रिया आप कर सकते हो, नहीं तो सामान्य तौर से माफ़ी मांगने का कि भगवान ऐसी गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करो, मेरे मन से खराब विचार आ गए उनके लिए मुझे माफ़ कर दो, मेरी वाणी से उसको हट हो गया मुझे माफ़ कर दो, कर्म भी इससे कुछ कम होता है क्या, जैसे प्रतिक्रमण करते हैं हाँ। तो जो हमारे जो कर्म है वो भी उससे थोड़ा कम होते हैं, पूरे तो नहीं होते लेकिन पूरे हो रहे हैं, हो रहे हैं, जब से अंदर के भगवान की प्राप्ति होती है तब से बाकी बचा जो कर्म है वो खत्म हो जाता है अपने आप। किसी ने 10 साल बड़े बुरे काम किए क्या,
किसी ने 10 साल बड़े बुरे काम किए उसके बाद वो भगवान की तरफ लग गया तो उसके वो कर्म कट जाएंगे? नहीं, माफी मांगते जाने का उसकी याद कर करके तो उसकी धुलाई होती जाती है, क्या होती जाती है? पूरे पूरे तो नहीं होते लेकिन कुछ नहीं हो जाते हैं। जैसे भगवान मिलते हैं हमें तो क्या होता है, तो के हमारे अंदर जो भगवान है उसको प्राप्ति के लिए बीच में जो जो कर्म आते हैं बीच में उसको हटा देते हैं, वो बादलों को हटा देते हैं। और ये जाने के बाद अपने भगवान व्यक्त होते हैं, क्या बताया, व्यक्त होते हैं। व्यक्त होने के बाद हमारे अंदर बाद में प्रारब्ध रूपी कर्म रह जाते हैं, पानी और वरार के रूप में जो कर्म होते हैं वो चले जाते हैं आपके, लेकिन बर्फ के रूप में हमारे खुद के खुद ने खड़े किए कर्म वो हमें खुद को खत्म करना पड़ता है, उसको भगवान ने प्रारब्ध कर्म बताया। जैनों में उसको निकाचित कर्म, चिकना चिकना चिकटपन वाला कर्म बताया, जो बहुत बहुत माफी मांगते हैं तब जाते हैं वो, तो उनके लिए हम उसको पछतावा कर करके उसको निकाल सकते हैं बाद में। हमारे पास जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जागृति प्राप्त हुई और ये जागृति में रहकर वो कर्म को हम खत्म कर सकते हैं। और खत्म करने का मतलब क्या, तो उसके पीछे कोई कुछ चीज करने की जरूरत नहीं होती, उसको देखने का होता है सिर्फ, क्या होता है, देखने से वो जल जाता है। आपका जो स्वभाव व्यक्त हो जाता है ना, शुद्धात्मा का स्वभाव व्यक्त हो जाता है तो उसके प्रकाश में वो जल जाता है। जैसे वो बिलोड़ी कांच को क्या बोलते हैं, पहले ऐसे करके धूप में रखते थे और कागज जल जाता था ना, फोकस करके करते थे, बिलोड़ी कांच हम तो गुजराती में बोलते हैं, उसके ऊपर रखते थे तो धूप जल जाती है, हां समझे, तो वो जैसे वो प्रकाश उसके ऊपर गिरता है इसके अंदर से तो वो जल जाता है। इस तरह एक ज्ञान का प्रकाश जब उसके ऊपर पड़ता है तो कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं अपने आप। और ऐसे कर करके पूरे कर्म खत्म हो गए तो ये शरीर से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब तक ये कर्म पड़े हुए हैं और आपको आत्मा की अनुभूति हुई तब आप शरीर के साथ दुख होते हुए भी आपको दुख नहीं लगता है, टच नहीं होता है आपको, ऐसी परिस्थिति शरीर के साथ के मोक्ष की हो जाती है आपको। शरीर के साथ का मोक्ष वो जन्म मरण से मुक्त होने का मोक्ष, समझे, पहला यहां मोक्ष का अनुभूति हमें हो रहा चाहिए, शरीर होते हुए भी दुख होते हुए भी दुख की हमें अनुभूति ना लगे, स्पर्श ना करे उसको, टच ना करे और उनसे मुक्त रह पाए। बाद में वो जन्म मरण से मुक्त होता है सभी कर्म जब आपके खत्म हो जाते हैं। इसलिए पहले शरीर के साथ का मोक्ष का अनुभव होना चाहिए तो मानना कि वो मुक्ति आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आई बात समझ रहा हूं जी भाई, ये भगवानों का विज्ञान है, ज्ञान नहीं, क्या है शशि बहन, भगवानों का विज्ञान है, साइंस है। और ज्ञानी एब्सोल्यूट साइंटिस्ट होते हैं, क्या होते हैं, हाँ, भगवान के अलावा कोई साइंटिस्ट आत्मा का नहीं होते हैं, समझो। और ऐसे साइंटिस्ट मिलते हैं तब हमें वो प्रयोग करवाते हैं और प्रयोग के बाद वो साइंस हमारे अंदर काम करने की शुरुआत हो जाती है, हाँ साइंस अंदर काम करने की शुरुआत हो जाती है। इसलिए भगवानों का ऐसा विज्ञान भगवानों के पास था, लेकिन जब भगवान मिले उनके पर बैठे सब किया लेकिन भगवान का माना नहीं हमने कुछ, इसलिए यहाँ क्या बोलते हैं, भटकते 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 हुए ये कलयुग में आ गए। जैनों में इसको पंचमारा बोलते हैं, जिसमें दुख की मात्रा ज़्यादा और सुख की बहुत कम होती है, समझे, तो ऐसे काल में हम आ चुके हैं। तो अभी ऐसा मौका हमें एक काल में भी जो मिलता है तो ले लेना चाहिए। अनुभव तो करो, नहीं हुआ तो नहीं, आपके पास से कहाँ कोई चीज ली जाती है, उसको आपको आपको अपना सुख खुला करके देते हैं, क्या करते हैं। और जिसको आपके पास से कुछ नहीं चाहिए वहां ही अपना काम होता है, जहां कोई फी नहीं होती है, कोई चार्ज नहीं होता है,
तब आपका काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये चार्जेबल चीज नहीं है भगवान की कोई भी चीज। भगवान तो ऐसे बोलते हैं, मांग मांग आपको जो मांगे वो दे दू, क्या बोलते हैं, लेकिन मांगना ऐसा कि मांगने के बाद फिर से मांगने की जरूरत ना पड़े। हाँ, हम तो चीज मांगेंगे तो दूसरे दिन दूसरी चीज मांगनी पड़ेगी, तीसरी मांगनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा मांगो परमानेंट चीज कि फिर से मांगने की जरूरत नहीं पड़े और वो हमारे अंदर से जाए भी नहीं, हर संजोग में रहे हमारे पास वो। वो क्या है? क्या सेंटेंस है वो? क्या अंदर भगवान की प्राप्ति, अंदर का सुख, वो क्या सच्चिदानंद? हाँ, अंदर का सुख और अंदर आत्मा है, इसको ही सच्चिदानंद बोलते हैं। कोई नाम नहीं है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद अपना आत्मस्वरूप है। क्या है? आत्मस्वरूप है सच्चिदानंद। समर्पण समर्पण करने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि आपकी सब चीज दे देने के उसको, नहीं, मतलब कि हमारे मन वचन का है समर्पित करने का। बाद में आप आराम से घर पर जाओ, अपने परिवार के साथ रहो, तो भी वो नहीं जाएगा। वो परिवार के साथ रहते रहते उनसे मुक्त होते जाएंगे। अभी तो बंधन लगता है घर के घर के अंदर रहते रहते भी, क्योंकि राग द्वेष होता है, क्लेश होता है, चिंता होती है, आदि व्याधि उपाधि होती है, तो ज्यादा चिपकते जाते हैं। चिपके हुए तो है और ज्यादा चिपकते जाते हैं, क्या करने का। और जब भगवान मिलते हैं तब ये सब चिपका हुआ है उसे मुक्त करते हैं। और इससे मुक्त जब तक नहीं होते हैं तब तक अपने आनंद की अनुभूति नहीं होती है कभी भी। और आनंद के बिना ये अंदर की जो व्यग्रता होती है वो जाती नहीं है कभी भी। कितना भी ध्यान करो, कुछ भी करो, लेकिन ध्यान में जो घर के अंदर जो हुआ है ना वो करने बैठेंगे ध्यान, तो वही दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा ध्यान में। और ध्यान भगवान ने बहुत अलग चीज बताई है। हम जो करते हैं ध्यान बैठकर ऐसे करके, वो तो एकाग्रता है। क्या है? और जो व्यग्रता के रोगी है ना, बीमार, इसके लिए एकाग्रता करने की जरूरत पड़ती है। और ध्यान तो अपने आप रहता है, करने की जरूरत नहीं होती ध्यान, अपने आप ही रहता है। जैसे हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है, इसकी शादी नहीं होती है तो अंदर जलेंगे कि नहीं जलेंगे? तो उसको भगवान ने अर्थ ध्यान बताया, इसको करने की जरूरत पड़ी कि अपने आप हुआ, बराबर। इसलिए खुद को जलना, कोई आपको दूसरा कोई जलाने वाला नहीं है, कोई परेशान हैरान करने वाला नहीं है, खुद का मन ही खुद को परेशान करते हैं, उनको भगवान ने बताया आर्त ध्यान। आर्त खुद का ध्यान बिगड़ना, उसको आर्त ध्यान, अपने आप हो गया ध्यान। बाद में अपने निमित्त से दूसरे को दुख होना, किसी के ऊपर गुस्सा किया, कुछ भी किया तो दूसरे को दुख हुआ ना, उसको भगवान ने रौद्र ध्यान बताया। क्या बताया? रौद्र ध्यान। जैसे कोई चीज की कमी हो गई तो अंदर से ध्यान शुरू हो जाएगा, कब मिलेगी कब मिलेगी, अंदर चिंता रहती है वगैरह वगैरह, अंदर होता है, अंदर क्लेश रहता है, वो सब आर्थ ध्यान है। और भगवान इसका फल जानवर गति बताई है। क्या बताया? आर्थ ध्यान का फल, एक ही चिंता का फल, चिंता होना वो भी आर्थ ध्यान है। चिंता करने से काम हो जाता है ना, बोलो कि बिगड़ता है? बोलो। हाँ, नहीं समझ ही नहीं है हमारे पास, इसलिए कि चलाने वाला कौन है इसलिए चिंता होती है। चलाने वाला कौन है वो मालूम हो जाए तो चिंता नहीं होती है। हम घर में है बराबर, पर आपके घर में बेटी को इतना बच्चा हुआ तो कितनी चिंता करेंगे वो? बोलते हैं उसके अभी बुद्धि नहीं है, उसमें समझ नहीं है, ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो आपके अंदर बहुत समझ है, समझ वाले करेंगे चिंता के, नहीं समझ वाले करेंगे? समझ वाले तो अंदर देखते हैं कि कैसे चिंता चली जाए, ये तो बढ़ती जाती है, और बोलते मैं बहुत समझ वाला हूँ। क्या बोलते हैं? कोई चिंता, छोटे बच्चे कोई करते हैं, ये बाहर जानवर होते हैं वो चिंता करते हैं, मुझे शाम को रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर भी देने वाले मिल जाते हैं उसको, है
बुला के देते हैं और हमें कोई बुला के खिलाते भी नहीं है। हम कहते हैं घर पर बुलाना, क्या बोलते हैं हम सामने से, वो तो बोलते ही नहीं कि बुला आप आओ, वो बोलते बुला हमको घर पर, और वो उसको बोलना पड़ता है मुझे घर पर बुलाकर रोटी खिलाना, बोलते नहीं। ये कुत्ता सब लोग घर में रखते हैं ना, चिंता नहीं करता है तो अभी गाड़ी में घूमता है बेचारा, और हम पहन के चल कर जाना पड़ता है चिंता करके, क्या होता है वो गाड़ी में घूमता है। जो चिंता नहीं करता है उसको दूसरों को उसकी परवाह होती है, क्या होती है, जैसे ठंड आती है ना कपड़े, उसको कपड़े भी पहनाएंगे घर में कुत्ता होगा तो बोलता है मुझे कपड़े पहनाओ। ये ना एक नेचर भी होती है ना इंसान की, जैसे एक जैसी प्रॉब्लम घर में है, एक बंदा मस्त घूम रहा है दूसरा चिंता लेके बैठा है। हाँ ये देखने की चीज है ना, ये ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है, कहा मैं करने वाला हूँ इसलिए होता है, मैं करने वाला हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं हो तो ही चलता है भाई, किसी का कोई नहीं होता है तो इसका भी चलता है क्या? नहीं वो खुद दुखी भी होता है कि मैं काम का चिंता कर रही हूँ, पर वो नेचर के बस होके कहीं जा रहा है। अंदर ऐसा विचार करना चाहिए कि मैंने इतनी चिंता की तो वो हो गया, बिगड़ेगा कार्य। चिंता ग्रेटेस्ट इगोइज्म है, क्या है चिंता, मैं कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, इसके रूप से चिंता होती है। इसलिए कृष्ण भगवान ने बोलना पड़ा गीता में, हे जीव तू सिद्ध ने सोचना करे, कृष्ण ने करू हो ते करे, क्या बताया कृष्ण को जो करना है करे, तुम चिंता क्यों करते हो। इसलिए दादा भगवान ने सूत्र निकाला, जो चिंता करता है वो भगवान को नहीं मानता, और जो भगवान को मानता वो चिंता नहीं करे। जो भगवान भगवान चलाने वाला तो आपको क्यों चिंता करने की भाई, बोलते क्या है ऊपर वाला चलाता है तो फिर क्यों आप चिंता करते चलाते हो। तो जब अच्छा हुआ तो मैंने किया, अब बुरा हुआ तो भगवान उठा हुआ है, क्या बोलेंगे लोग, और अच्छा हुआ भगवान ने किया है सब, इसकी कृपा इसकी दया है, लो आपके ऊपर उतर गया दूसरे पर नहीं उतरती। भगवान ऐसे पक्षपात वाले होते हैं, बोलते नहीं नहीं, लेकिन कई बार चिंता हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कि हम क्यों टेंशन कर रहे हैं। एक एक विचार है हमारे अंदर, अहंकार जाने के बाद चिंता नहीं होती है, एक विचार है कैसा होगा, बाद में हमारे अंदर जलन नहीं होती है, चिंता का बात को पूरे दिन अंदर जलन होती है, क्या होती है ये तो एक विचार के भी ऐसा प्लानिंग होता है, क्या होता है चिंता नहीं होती, हाँ तो वो चिंता नहीं बोली जाए, चिंता तो पूरे दिन अंदर जलन होती है, उसका ध्यान ही वहां रहता है, दूसरे बोलते कहाँ खो गए, नहीं मैं यहाँ ही हूँ, लेकिन बट ऐसा होता है ना जैसे आपको टिकट बुक कराना है तो भी आपको ध्यान रहेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग होता है, बस बाकी नहीं रहता है, चिंता नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं चिंता करता है वो भगवान को नहीं मानता, भगवान को माने वो चिंता नहीं करता, चिंता से कार्य बिगड़ता है सुधरता नहीं है, समझ लेना इतना सेंटेंस याद रखने का। नहीं जैसे अपन बिगड़ना है तो चिंता करना, काम करना है तो प्लानिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग करो तो ना, करने का है इसमें क्या, जैसे ट्रेन हमारा ट्रेन पकड़नी है तो प्लानिंग नहीं करना पड़ता है, इसको बोलेंगे भाई तो आप ड्राइव करके आएंगे मुझे छोड़ने के लिए, ये प्लानिंग है, चिंता नहीं है, चिंता तो जलता ही रहता है पूरी रात, कैसे होगा, कैसे होगा। हाँ इसलिए चिंता को प्रकट अग्नि बताया गया है, क्या बताया, चिंता जब तक चलती रहती तब तक जलता ही रहता है, जलता ही रहता है, चिंता को चिता समान बताया है, और मनुष्य के अलावा किसी भी जीव में चिता नाम की चिंता नाम की चिता नहीं है। कोई करता है बाकी के सब लोग, चलो मनुष्य के अलावा कोई नहीं, सब आराम से जीवन जीते हैं, उसको जैसे कुत्ते कुत्ती होती है ना, कुत्ती कुत्ते की कुत्ती, जब बच्चे आने वाले हैं तो उसको सब कैसे सब ट्रीट करते हैं उसकी, उसने बोला मेरे लिए ट्रीट करो, मुझे दूध पिलाओ, वो कराओ वो कराओ, सब लोग करते हैं इसकी नहीं करते है? भगवानों के आश्रित है वो, क्या है, और हम निराश्रित है, निराश्रित हो तो भगवान भी आसरा देने के लिए तैयार नहीं है, ये भगवानों के आश्रित है, सब मिल जाता है उनको, टाइम पर मिलता है, हम पहले रोटी बनाते हैं तो उसके लिए निकालेंगे, गाय के लिए कुत्ते के लिए पहले निकालेंगे, क्योंकि पहली रोटी तो हम खा नहीं सकते ना,
इसके लिए ही होती है, बिगड़ जाती है ना पहली रोटी तो, इसलिए वो बिगड़ी हुई इसको देते हैं, क्या करते हैं, और हम सुधरी हुई खाते हैं तो भी सुधरते नहीं है, और वो बिगड़ी हुई खाकर भी बिगड़ते नहीं है। भगवान तो कैसे होते हैं, और हर मनुष्य भगवान है, लेकिन भान खो चुका है क्या है, सर मनुष्य भगवान है। जब तक ये भौतिक सुख में सुख लगता है तब तक हम जीवात्मा है क्या है, और इसमें सुख नहीं है और हमारे अंदर सुख है ऐसा हमें मालूमात होती है, उसको भगवान ने अंतरात्मा बताया, क्या बताया, क्योंकि उसकी दृष्टि अंतर्मुख हुई, और अंतर्मुख एक बार होने के बाद परमात्मा अपने आप होता जाता है। जैसे आप वकीलात भरने पढ़ाई करने के लिए बैठ गए, कॉलेज में दाखिल हुए, इसलिए वकील होकर ही निकलेंगे आप, क्या आपको बाद में कुछ करने का होता नहीं है, वही आपको ले जाएगा उस तरफ। इसलिए भगवानों की बात सिर्फ समझने की थी, सिर्फ समझने की, जितनी जितनी समझ आती है ना इतना अंदर सेटल होता जाता है, समझ से ही सेटल होता है, क्रियाओं से सेटल नहीं होता है, कोई भी क्रिया से, समझ से सेटल होता है। तो क्या अर्ध ध्यान का फल है जानवर गति, घर में रहते रहते बाहर जाना पड़ेगा आपको रहने के लिए, रोटी कोई खिलाए तो खाना पड़ेगी, अभी तो खुद को मिलती है, बाद में कोई खिलाए तब खाना पड़ेगा, इसलिए जानवर गति है। भगवान ने एक ही चिंता का फल जानवर गति बताया है, इसलिए सोच समझ कर चिंता करना। बाद में रौद्र ध्यान का फल बताया भगवान ने, नर्क गति, क्या बताया, नर गति में जाना पड़ेगा आपको। और ये जब दो ध्यान खड़े हुए आर्त और रौद्र, इसको सेटल किया, उसको करने की जगह पर उन्होंने आपने नहीं होने दिया और सुधार लिया, तो उनको भगवान ने धर्म ध्यान बताया। धर्म ध्यान वो नहीं कि माला घुमाना, किताब पढ़ना, वो करना, वो यार धर्म ध्यान नहीं है, वो ध्यान करते हो गए हमारा कहाँ सिखाना है, कहाँ कहाँ चला जाता है, और सोचते हैं माला करेंगे, लेकिन बच्चा कल जा रहा है कनाडा, कैसे रहेगा, क्या करेगा, माला अपने आप घूमती रहेगी, क्या होगी, नास मणका मणको आवाज है गुजराती में, वो क्या है नास मणका मणको आवाज है, एक मणका बोलते हैं ना इसको, मणका बोलते हैं, अपने आप घूमती जाती है, और ये अपने आप घूमता जाता है, दोनों अपनी लाइन में आ जाता है, क्या होता है, अलग अलग लाइन पे है, तो गाड़ी कहाँ पड़ जाएगी, ठिकाना ही नहीं है। इसलिए दर्शन करना भी हमें भगवान के पास जाए तो आता ही नहीं है, कैसे दर्शन करने का, बस आज जुड़ा ऐसा ऐसे करके, भगवान अभी उनको जाना है कनाडा, लेकिन अभी नहीं जा रहा है, तो कुछ करो ना, बस की मांग लिया, लो क्या होता है, क्यों नड़ा कनाडा, क्यों नड़ा, भगवान बोलते हैं मेरे पास है कि कनाडा पहुंच गया, तू कहां पहुंच गया, जहां बैठे वहां ही रहने का ना, लेकिन अभी भगवान को देखा नहीं है, जाना नहीं है, अनुभव नहीं किया है, तो कैसे रहेगा, जब शादी हो, शादी करनी है, फोटो दिखते हैं वाइफ का या पति का, तो कब तक फोटो दिखेंगे, मिलने के मन होता है कि नहीं होता है, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और फोन करने के बाद कितनी एकाग्रता रहती है वहां पर, और भगवान को फोन करते तो एकाग्रता रहती है, जिसमें इंटरेस्ट होता है इसमें हमारा मन एकाग्र अपने आप रहता है, वहां तो एकाग्र रहता ही नहीं है, कहां चला जाता है, और बोलते कि हम मंदिर में जाकर आया, लो ये शरीर जाकर आया, आप नहीं गए, आप तो दूसरी जगह पर चले गए, समझ आती है बात। इसलिए दादा भगवान ने प्रार्थना बताई कि भगवान का दर्शन कैसे किया जाए, कैसे करने का, तो भगवान के पास इतनी मेहनत करके जाते हो,
अपना टाइम बिगाड़ कर जाते हो, तो भगवान का कुछ अच्छी चीज तो करो। कितना समय जाता है हमारा, हमारे जूते नहीं घिसते जाते हैं तो कैसे ही रहते हैं, कहीं गाड़ी में जाए तो नहीं घिसते, लेकिन वहाँ रखते हैं तो जल जाने की वो रहती है कि नहीं रहती है, कि चला जाएगा रहेगा क्या, भीड़ ज़्यादा जमा होती है दिवाली के दिन होता है वगैरह तो ज़्यादा भीड़ होती है ना भगवान के मंदिर में, तो बाद में होता है कोई ले जाएगा कोई ले जाएगा, अभी तो ब्रांडेड रहते हैं सब लोग, अभी तो कई लोग ऐसे निकलेंगे जो घर की चप्पल होती है ना वो पहन कर चले जाते हैं, जूते क्या करते हैं, जो जाए तो भी कोई वो नहीं है, अच्छी अच्छी तो घर को रख कर जाते हैं, क्या करते हैं, सब ऐसे हो गए। इसलिए दादा भगवान बोलते हैं कि भगवान का दर्शन कैसे करने का, तो क्या भगवान को बोलने का कि आपके अंदर जो भगवान है वही भगवान मेरे अंदर है, क्या बोलेगा, आपके अंदर जो भगवान है वही भगवान मेरे अंदर है, लेकिन आपके अंदर व्यक्त हो चुके हैं, खुले हो चुके हैं, तो क्या मुझे मेरे भगवान को खुला करना है, तो इसके लिए ये जगत में कोई ऐसे पुरुष हो जो खुला कर सकते हैं वो हमें मिला दो। देखो कैसी प्रार्थना पहुंच जाती है, ऐसा मांगने का था पर दूसरी दूसरी चीज मांगते हैं, चले जाने वाली चीज मांगते हैं, जो रहने वाली चीज है वो तो मांगते ही नहीं कोई दिन। ऐसी प्रार्थना किया तो कभी ना कभी उसको मिल जाता है, कोई प्रार्थना से, प्रार्थना से मिलता है सब कुछ, भावों से भावनाओं से मिलता है सब कुछ, इसलिए भाव की कीमत बहुत है। मनुष्य जन्मों में जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है तब भाव सबसे बड़ी चीज होती है। जैसे सबरी थी तो क्या करती थी, मेरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे, लोग बोलते तेरे पास कूद नहीं है नहीं आएंगे, फिर भी आएंगे, क्या बोलते, वही एक ही लड़, मेरे राम आएंगे मेरे, अच्छे बिठाने का भी कुछ नहीं था घर में झोपड़ी में, क्या भगवान आए तो मैं बिठा हूँ अच्छी तरह से, फिर भी आएंगे तो भगवान गए, भाव के आधार पर क्या, कितनी सारी मिठाइयाँ बनाई थी उसने, बोलो, हम तो पति पत्नी के झूठे बैर खाते हैं, औरों का तो खाते नहीं, एक थाली में खाते हैं, शादी होती तब ऐसे ही होते, पहले बाद में नहीं खाते, पहले खाते हैं शादी होने से बाद में दूसरा बैर खाते हैं। जैसे जैसे साथ में रहने का होता है ना, सब अपना हिसाब खुला होता है, कर्मों का हिसाब खुला होता है, और एक एक काल में बैर का हिसाब है, क्या है, प्रेम का हिसाब नहीं है, बैर बैर इसके आधार पर एक दूसरे के बनती नहीं है, एक दूसरे का बैठने का पसंद नहीं होता है, एक दूसरे की आदतें पसंद नहीं होती है, ऐसा होता है पूरे दिन ऐसा चलता है, वो बोलते चलो खाने के लिए, वो अखबार में से नजरिया हटाते नहीं है, बोलते चलो ना भाई हमको भी आगे जाना है कुछ करना है, तो भी नहीं सुनते। क्या करेंगे, वो तो बोलती रहती है कैसे क्या उसको कहीं जाना होगा किटी बिटी में। गृहस्थ जीवन आसान नहीं है फिर भी भगवान तो यही जीवन में रहे ना, भगवान ने कहा कुछ छोड़ा हुआ था आ पड़ा, वो बात अलग है, भगवान ने आ पड़ा हुआ तब करने को बताया था, खड़ा करने का नहीं बताया था, क्या बताया, आ पड़ा, भगवान को राम भगवान को आ पड़ा था जाने का, उन्होंने खुद खड़ा नहीं किया था कि मुझे वन में जाना है, वो कर्म का उदय आते हैं तब भगवान उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, क्या करते हैं, और हमारे अंदर इतना जानते हुए इतना धर्म करते हुए भी स्वीकार नहीं करते उसका, मतलब भाई आपका कर्म है तो भी नहीं, वो मुझे भेदने वाला कौन होता है, मैं मेरे हिसाब से जीवन जी रहा हूँ, ऐसे करके नहीं जाएंगे क्या, कहीं कोई जगह पर भी जाना है ना, जैसे ससुराल में लेडीज लोग को जाने का है ना, तो बोलेंगे आप जाके आओ ना, अपना है ना रिलेशन वाले, और मैके में जाना है तो
दो तीन दिन से पहले तैयारी कर देती है क्या क्या ले जाने का है, वहाँ इसके लिए पेड़े ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, बच्चा है तो वो कपड़े ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, वहाँ वो फॉरेन में जाएंगे तो वो मैके वाले का ज़्यादा सोचेंगे और ससुराल वाले का कम सोचेंगे, क्या करेंगे, बोलते हैं सब अपने ही हैं ना, क्या बोलेंगे, तो कहाँ गए अपने लोग, कहीं भी भेद, अंदर के भगवान को जानने के बाद उसको कहीं भी भेदभाव नहीं रहता है, सब अपना लगता है, क्या होता है, जहां भेद है वहां भगवान नहीं है और जहां भगवान है वहां भेद नहीं है, समझ लेने का, जहां भगवान है वहां संप्रदाय नहीं है और जो भगवान नहीं है वहां संप्रदाय है, भगवान के पास तो सब लोग आते हैं, भगवान का चारित्र ऐसा होता है, उनको नहीं जाने का मन होता है तो भी पैर वहां पर चला जाता है, क्या होता है, ऐसा होता है भगवान के अंदर, अंदर का जिसने बिगाड़ा नहीं ने इसका चारित्र खड़ा होता है, अंदर का बिगड़ने दे दिया, बिगड़ा तो सुधार लिया तो भी चारित्र खड़ा होता है, चारित्र का मतलब एक प्रभाव अंदर का, चारित्र उसको बोलते हैं, प्रभाव अंदर का, अंदर की स्थिरता, आपने जो 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 किया इसका अर्क प्राप्त हुआ आपको, आप जितने आत्मा में रहे इसका अर्क प्राप्त हुआ आपको, वो चारित्र के रूप में होता है, चारित्र का मतलब अपने अपने को जो चीज चाहिए वो हमारे हाथ में आई, वो चारित्र है, मन को स्थिर कैसे रखना चाहिए, मन चंचल ही स्थिर नहीं हो गए, आपको स्थिर होने की जरूरत है, क्या बताया, मन तो चंचल ही है, जैसे विचार लेकर आए हैं वैसे निकलेगा ही, लेकिन हम क्या करते हैं, मुझे विचार आते हैं, जो अपने को आते हैं तो हमारे बस में होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लाना है वो भी आता है, इसलिए पूर्वे जो चार्ज किया हुआ है आत्मा इन्वॉल्व हुए हैं वो अभी विचार के रूप में बने हुए हैं और वो आएंगे ही, लेकिन उस समय क्या करने का, तो क्या आपके पास दृष्टि नहीं है तो क्या करेंगे, आप चंचल हो जाएंगे, और दृष्टि हो गए तो आप उसको देखने वाले बन जाएंगे विचारों को, और जब तक विचारों को देखते नहीं है तब तक विचार खत्म नहीं होते, नया बनता जाता है, ओपिनियन इज द फादर ऑफ द माइंड एंड लैंग्वेज इज द मदर, क्या बताया, फादर ऑफ द माइंड एंड लैंग्वेज इज मदर, लैंग्वेज यानी मदर, अंदर जो चला और आपने ओपिनियन नहीं दिया तो मन वहां खत्म हो जाता है, लेकिन हम ओपिनियन देने भी दे भी ना रह नहीं पाते हैं, इसलिए नया बनता ही जाता है, इसलिए मन को वश करने के लिए अंदर पहले अपने खुद को जानना पड़ता है, खुद को जानने के बाद मन वचन का तीनों अलग हो जाते हैं, अलग होने के बाद आप उसको देखने वाले बन जाते हैं तो मन डिसॉल्व होता जाता है, नहीं तो विचार तो आते ही रहते हैं, लास्ट तक विचार आते हैं, जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक, लेकिन भगवान उसको जानने वाले हो जाते हैं, और हम जानने वाले तो हुए नहीं तो जानेंगे कैसे उसको, और ये सब जानने के लिए प्रयोग है, क्या है, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तन्मायाकार हो जाते हैं, और तन्मायाकार हो जाने के बाद नया बीज भी बन जाता है दूसरे जन्म के लिए, अच्छा विचार आता है तो उसको एंजॉय करना पड़ता है, इसलिए अच्छे विचार में जब तन्मायाकार नहीं होते तो बुरे में भी आप रह सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार आते तो हम तन्मायाकार हो जाते हैं, बहुत अच्छे विचार आते हैं, हम ध्यान में बैठे तो अच्छे विचार आ जाते हैं, इसमें तन्मायाकार हो जाते हैं, क्या होते हैं, और जितने तन्मायाकार हुए दूसरे जन्म के बीच पड़े बीच बोए आपने, इसलिए ऐसे मन बनते हैं, और ज्ञानी पुरुष भगवान जो होते हैं इसका नया मन नहीं बनता है, डिसॉल्व होता जाता है दिन प्रतिदिन उसका, इसलिए बोलते हैं मन को जिसने वश किया उसने जगत को वश किया, क्या बताया, मन को वश किया उसको जगत को वश किया, हमारे गुजराती में कहावत थी,
मन चंगा तो कठोट में गंगा, क्या बताया तो कठोट, कठोट बोलते वो थाली आती है ना लोट बांधना आटे की, कठोट बोलते हैं इसमें चला दे, इसमें गंगा आ जाती है आटा पीटा इसलिए मन को वश करना इतना आसान नहीं है, वो ज्ञान से बंधा जाता है मन, क्या ज्ञान से वश होता है और कोई अलावा कोई चारा नहीं है। सारा चक्कर ही मन का, ध्यान में मन सबसे ज्यादा परेशान करता है, बाकी चीजें तो कंट्रोल हो जाती है। कंट्रोल नहीं, किसी कोई चीज कंट्रोल नहीं होती, आपको लगता है कंट्रोल कंट्रोल हो गई, नहीं होती कोई चीज कंट्रोल, कंट्रोल करने वाले आप कौन है, अहंकार से कोई चीज कंट्रोल नहीं होती है, ज्ञान से अपने आप कंट्रोल हो जाती है, ज्ञान के बिना कोई चीज कंट्रोल नहीं होती है, और ज्ञान होता है तो अपने आप कुछ भी नहीं करते तो भी कंट्रोल हो जाती है, कंट्रोल करने से ज्यादा उछलती है, क्या होती है मन को प्रेस करते जाते हो ना स्प्रिंग की तरह, तो उछलता है ना तो पूरा सर टोल डालता है, क्या होता है मतलब उसको इग्नोर करते हैं। इसलिए जब तक अज्ञान पड़ा हुआ है तब तक मन वश नहीं हो सकता है, अज्ञान जाना चाहिए मन, तब मन वश होता है, और भगवानों के पास ज्ञान था, ज्ञान नहीं था, अज्ञान तो मिट चुका था उनका पूरी तरह से, अज्ञान का मतलब मैं कौन हूं वो नहीं जानना, वो सबसे बड़ा ज्ञान है, क्या बताया मैं कौन हूं जान लिया तो दुनिया में उसको कोई चीज जानने की जरूरत नहीं है, और जिन्होंने मैं कौन हूं नहीं जाना उन्होंने किसी भी कितने सारे किताब जानी तो भी कुछ जाना नहीं है। गोस्वामी सर इसलिए बहुत समझने की जरूरत है, ऐसे कोई बार ऐसे पुरुष मिलते हैं जो हमारा अंदर से रिपेयर हो जाता है पूरी तरह से, नहीं तो नहीं मिलता है, कितनी सारी भावनाएं की है पूर्वे तब ऐसा संयोग आता है, नहीं तो ऐसा संयोग बनता नहीं है, उन लोगों को संयोग बनाने के लिए नाइजीरिया जाना पड़ा, नाइजीरिया में संयोग हुआ, हमारा भी नाइजीरिया, उनको भी ऐसा नाइजीरिया में हुआ, बोलो कहाँ कहाँ संजोग बनाने के लिए कुदरत ले जाती है। हम लोग तो ऐसे खाने के लिए चले जाते थे, वो भरत भाई वगैरह आए थे तो बोले कि आना सत्संग है प्रसाद लेना, बोलते थे अरे हम लोग तो ब्राह्मण है इतना सब पड़ा हुआ है हमको क्या करना है अपने, तो सब लोग बोलते थे चलो खा के आ जाओ, तो अपने खा के आ जाते थे, बाद में पता चला कि हम लोग तो जीरो है, जब सत्संग में गए तो पता चला हमको कुछ नहीं आता है, तो सही हो गया नाइजीरिया में था, फिर उसके बाद भाव किए कि गुजरात जाएंगे तो वो मिले, तो वो वैसा ऐसा मिल जाए, नहीं तो हम लोग तो यूपी वाले कहाँ गुजरात, यूपी में रहते हैं, हाँ रहने वाले हम लोग यूपी के हैं, और उसके बाद नाइजीरिया से फिर सीधा इनको नौकरी गुजरात में मिल गई। बोलो ये आपकी जो भावना होती है ना कुदरत आपको सही जगह पर ले आती है, कुदरत ऐसी होती है, बड़ौदा जैसी जगह में जहाँ दादा का जन्म हुआ, बोलो जैसे जैसे अंदर से क्लीन होता जाता है ना इतने आपको जो चाहिए वो अपने आप मिलता जाता है, क्या होता है विचार आता है और मिल जाता है, इसके लिए कुछ करने का होता नहीं है, अपने आप मिल जाती है वो चीज, मेन प्रोडक्ट किया तो बाय प्रोडक्ट अपने आप मिलता है, मेन प्रोडक्ट किया जैसे आप चश्मा लिया आज आपने, इसका जो आता है डिब्बा अपने आप आ जाता है, क्या लाने की जरूरत पड़ती है अपने आप आता है, पैकिंग अपने आप आता है, ये संसार भी अपने आप मिलता है, आप आत्मा का करो ना संसार अपने आप मिलता जाता है, मेहनत इसके लिए नहीं करने की है, मेन प्रोडक्ट के लिए करने की है, बाय प्रोडक्ट तो अपने आप मिलता है, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी जो भी करते हैं इसका करते जाओ, हम तो पैकिंग के लिए मेहनत करते हैं, हम पैकिंग के लिए मेहनत करते हैं, क्या करते हैं मेन चीज तो बाजू पर रह जाती है,
जो जानने की वो तो जाना नहीं, नहीं जाना, जानने की वो सब जान ली, क्या करेंगे जानकर। को कलरफुल पैकिंग इतनी अच्छी लगती है, इसमें खोए हुए हैं, इसमें खोए हुए होते हैं। यहाँ तो बहुत शांति है, वो है वो है, अल्लाह पर घर में जाकर शांति रही, किसी ने डांटा, किसी ने अपमान किया, तब शांति कहाँ गई? उस टाइम पर रहनी चाहिए। घर की फाइल से ही पता चलता है। हाँ देखो कितना कम टच है, फिर भी देखो टच में ऐसा है। ये विज्ञान काम करता है उसके अंदर, क्या वो जो विज्ञान देते हैं ना उसको पीछे पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, विज्ञान पीछे पड़ता है। क्या होता है, भगवान पीछे नहीं पड़ते, भगवानों का ज्ञान इसके पीछे पड़ते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर वचन बल होता है, तो वो वचन बल वहाँ काम करता है उसका। ये कहीं बातें नहीं होती है, कृष्ण भगवान ने एक ही बार बोला अर्जुन को दृष्टि देने के बाद, आत्मवत् सर्व भूतेषु, क्या बताया, ये सब भूतों में आपको दर्शन होगा मेरा, तो देखने की शुरुआत हो गई उनकी। भगवान जो बोलते हैं वो जाता है, क्योंकि भगवान ऐसी वैसी वाणी का फालतू में यूज नहीं करते वाणी का। हम कितनी फालतू यूज करते होंगे पूरे दिन में वाणी, बोलो ना, जहाँ नहीं खर्च करनी है ना, दो जन बातें करते हुए हम सुनते हैं, मेरा ही भी कुछ जरूरत है तो बोलना, मेरी जरूरत बोले अपने आप बोलेंगे, आपको क्या बोलने की जरूरत पड़ी। कूद पड़ते हैं बीच में, क्या करते हैं बोलो। दादा भगवान तो बोलते हम तो ऐसे रहते थे, हमारी किसको जरूरत नहीं पड़े ऐसे में हम रहते थे, कहते क्या बोलते थे, फिर भी हमारी ज्यादा जरूरत पड़ती थी। बोलो आपके अंदर कुछ हो तो कोई पूछेंगे ना, नहीं हो तो क्या पूछेंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं कि भाव रखो, मुझे मुक्त होना है, बस कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाएगा आपको, मुक्त होना है। राजीव भाई समझ में आई बात? कमलेश बहन मैं सोच रही हूँ आज के टिप्स शुरू से चलो अभी टाइम हो चुका है, एक मिनट, एक बार फिर से मंत्र बुला लेते हैं। ये मंत्र सनातन है, भगवान के समय में ये तीन मंत्र ही थे, भगवान ने सब एटमोस्फियर देखकर, सब हालातें देखकर भगवान ने ये मंत्र रखा हुआ था कि भाई संसार आप जी रहे हैं, अभी संसार में तकलीफें ज़्यादा होगी, इसलिए तकलीफ नहीं आए, और आए तो हमारी समझ काम कर सके, ऐसी समझ, ये समझ समझदार पुरुषों को नमस्कार है, कोई व्यक्ति को नमस्कार नहीं इसमें, जिसकी समझ टॉप पर है, कभी भी असमझ नहीं बनने वाली समझ, कैसी भी परिस्थिति में, ऐसे भगवानों को इसमें नमस्कार सिर्फ है। गुणों क्वालिटी की भजना है इसमें, क्या है, व्यक्तिगत नमस्कार नहीं है इसमें, क्वालिटी के ऐसे क्वालिटी वाले हो तो मेरा नमस्कार है, बाद कोई भी धर्म वाले हो, बाद में धर्म के साथ लेना देना नहीं है मंत्र को, बाद में भगवान को जाने के बाद, भगवान दृष्टि वाले होते हैं और बाद में जो दृष्टि वाले दृष्टि बिगड़ के होते हैं वो सब अलग अलग कर देते हैं, अपनी मनमानी कर देते हैं, अपने हिसाब से रख देते हैं, अपना मान बढ़ाने के लिए, अपना स्थान बढ़ाने के लिए ये सब अलग अलग कर देते हैं, और बाद में वो इसका फल नहीं मिलता है। भगवान ने दिया है, आप अलग करते हो, अलग तरीके से बोलता हो, इसका नहीं फल मिलता है। इसलिए भगवान ने ऋषभदेव दादा भगवान, जिसको सभी धर्मों वाले अभी भी स्वीकार करते हैं, ये ऋषभदेव दादा भगवान ने ये मंत्र दिया हुआ था, और ये जैन धर्म का मंत्र नहीं है, वैष्णव का नहीं है, शिव धर्म का भी नहीं है, सबका है, किसकी मोनोपोली मंत्र पर नहीं होती, जो बोले उसका मंत्र, क्या बताया। और लोगों ने मोनोपोली बना दी कि हाँ ये जैन धर्म वाले का है, ये वैष्णव धर्म वाले का है, ये शिव धर्म का वाले का है, भाई आप कहाँ से लाए। भगवान की बातों को अपनी बात बना देते हैं,
ये कैसा चलता है? और अपने भगवान की बात को अपनी बात बना लेने से इसका फल नहीं मिलता है। भगवान की बात भगवान की जब रहती है तब इसका फल मिलता है। भगवान की बातों को अपनी बात बना लेना, इसका कोई फल नहीं होता है। समझे? तो एक बार मंत्र बुला लेते हैं, बाद में पूरा करते हैं। और एक बात बता देते हैं, जो हमने जो बात की आत्मा की, ऐसा प्रयोग हमने सैटरडे को रखा हुआ है। ऐसा इसमें कुछ करने का नहीं है, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको धर्म का परिवर्तन नहीं करना है, गुरु परिवर्तन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, फिर भी अपना स्वरूप पा लेने का एक प्रयोग है। ये 2 घंटे का होता है, 5 से 7 रखा हुआ है। देखो, अनुकूल हो तो बैठ जाना, ऐसा मौका फिर तो बार बार नहीं मिलता, आता ही नहीं है। जिसको हमको 43 ईयर हो गया ये पाते हुए, कितने 43, और हम पूरे दिन आनंद में रहते हैं, अपनी गलतियां देखते रहते हैं और इससे मुक्त होते जाते हैं, बस वही रहते हैं। हमको लाभ हुआ है, फायदा हुआ है, इसलिए हम बताते भी ये फायदा कर लेने की चीज़ें, बाद में मिलने वाली चीज नहीं है। बराबर, एक बार बोला लेते हैं मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचण मुक्कारो, ऐसो पंचण मुक्कारो, सव पावप्पणासनो, सव पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पडवं हवै मंगलम्, पडवं हवै मंगलम्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।